समय हम बागेश्वर धाम के मंदिर के अंदर मौजूद है और यह बागेश्वर धाम मंदिर का मुख्य दरवाजा है। यहाँ से रोजाना हजारों और लाखों की संख्या में भक्त होते हुए मंदिर पहुंचते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखा दें, ये मंदिर की जो है वो सीढ़ियां हैं जहां से होते हुए लाखों भक्त जो है मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन इसी धाम से, इसी मंदिर से छतरपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके हाथ में देसी तमंचा और जिंदा कारतूस थे। पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है उसका नाम रज्जन खान बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है। आपको बता दें कि दो दिन पहले छतरपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके हाथ में देसी तमंचा और जिंदा कारतूस थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब छतरपुर एसपी अमित सांगी का कहना है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं अभी कैमरा से कहूंगा वो आपको दिखा दे, ये देखिए पुलिस व्यवस्था जो है यहाँ पर पहले से ज्यादा कर दी गई है। और अमित सांगी यानी कि छतरपुर एसपी का कहना है कि यहाँ लगातार पुलिस सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था और चौकस की जाएगी ताकि आने वाले समय में यहाँ पर इस तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन धाम के सेवादारों और जो भक्त हैं उनका कहना है कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित होकर कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं। बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रज्जन खान नाम के युवक का धाम के अंदर आना, देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। छतरपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच की जा रही है और आने वाले समय में इस बात का खुलासा होगा कि आखिर वह युवक यहां पर किस उद्देश्य से आया था। छतरपुर से टाइम शिनाव नव भारत के लिए जयप्रकाश।